तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुन के सामने एल्डर और बाकी सारे के सारे लोग पहुंच चुके होते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स सेक्टर लीडर को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि सेक्टर लीडर हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। और सेक्टर लीडर चिंगमुन के सामने खड़े होते हैं तो चिंगमुन भी सेक्टर लीडर को ग्रीट करता है और कहता है मैं सेक्टर लीडर को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो सेक्टर लीडर उसको कुछ कहते नहीं है, शांत होकर उसकी तरफ देखते रहते हैं। सेक्टर लीडर मनी मन कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और कहते हैं चिंगमुन, और चिंगमुन कहता है कि जी सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि क्या आपके पास माउंट हुआ को छोड़ने का कोई आवश्यक कारण था? तो चिंगमुन कहता है हाँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं दुष्ट बच्चे, एक थर्ड लेवल के स्टूडेंट होने के नाते तुम्हारे हिम्मत कैसी हुई यहाँ से ऐसा काम करने की, इस जगह को छोड़ने की, वो भी बिना पूछे। यदि आप इसके लिए कोई अच्छा कारण बताने में असमर्थ हैं तो दंडित होने के लिए तैयार हो जाइए और हमको एक्सप्लेन करिए कि आपने ऐसा क्यों किया। यदि आप हमें अपने स्पष्टीकरण के साथ समझाने में असमर्थ हैं तो हमें आपको उचित दंड देना होगा। तो चिंगमुन को समझ में नहीं आ रहा होता है, वो काफी कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने खुद ही मेरे को भाई बाहर जाने का अनुमति दिया था। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का जो लीडर होता है वो जोर से चिल्लाता और कहता है हकलाना बंद करो और ठीक से बोलो। तो उन लोगों को पीछे से एक आवाज आती है जो उनको कहती है कृपया आप इस तरह के कार्य ना करें। तो वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि कौन है ये पीछे से बोलने वाला और चिंगमुन की साइड लेने वाला। तो वो लोग उस तरफ देखते हैं और जो इकोनॉमी और फाइनेंस का जो लीडर होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उधर को देखता है। और वहां पे एंट्री होती है एल्डर होंग की, जो अपने साथ काफी सारा सामान लेके आ रखे होते हैं और कहते हैं कृपया इस बच्चे को डांटे ना। और वो सबके सब देख के हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जो इकोनॉमी और फाइनेंस का जो लीडर होता है उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो जोर से चिल्लाता है क्या 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 ये सर एल्डर होंग है, क्या मैं सच में देख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी बीमार थे, ये इतने जल्दी रिकवर हो गए। तो जो एल्डर होंग होते हो कहते हैं क्या तुम सब ठीक हो। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो तुरंत ही एल्डर होंग के पास जा रहे होते हैं और कहते हैं सर होंग, जब से हम मिले हैं ये वास्तव में एक लंबा समय हो गया है। और कहते हैं कि हमें 7 दिन पहले एक पत्र मिला जिसमें उल्लेख किया गया था कि आप अस्वस्थ हैं, हालांकि आप यहाँ कैसे आए, अब आपकी तबीयत ठीक है? तो जो एल्डर होंग होते हैं वो कहते हैं मैं यहाँ पे इस जवान और साहसी तलवारबाज की वजह से आया हूँ। और कहते हैं उसे इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई, इसलिए कृपया इतना गुस्सा ना करें, सेक्टर लीडर प्लीज उसको माफ कर दीजिए। तो वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और सेक्टर लीडर कहते हैं क्या उसको माफ कर दूं? और वो मुड़ के चिंगमुन की तरफ देखते हैं और काफी हैरानी से उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। और एल्डर होंग कहते हैं उसने मुझे और यूना मर्चेंट गिल्ड दोनों को ही बचाया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं अभी भी और चिंगमुन की तरफ देखते हैं और चिंगमुन कहते हैं हाँ ठीक है, ये वैसा ही है जैसे ये बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सेक्टर लीडर एल्डर होंग से पूछते हैं सर होंग का इलाज करने में कामयाब रहा वो भी ये बच्चा, और कहते हैं एल्डर होंग क्या आप हमें इस बात का विवरण दे सकते हैं? तो एल्डर होंग कहते हैं आप इस बच्चे से क्यों नहीं पूछ लेते? तो चिंगमुन कहता है इसको 5 वियन प्लांट कहते हैं, ये बाहर से मामूली दिखता है लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जहरीला जहर होता है। और कहता है कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं पहले एक भिखारी हुआ करता था, क्या मैं सही हूँ? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं हाँ हमको पता है, और कहता है कि भिखारी जो सब कुछ खा लेते हैं उन्हें भी कभी कभी इस 5 वियन प्लांट से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और कहता है पर इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है, आपको चाहिए सिर्फ जमीन में उगने वाली मूली, यहाँ तक कि कोई डॉक्टर नहीं जानता कि उस जहर से प्रभावित व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आप उन्हें पीसी हुई मूली खिलाएंगे तो वे आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं क्या आप कह रहे हैं कि सर होंग को 5 वियन प्लांट का जहर दिया गया था? तो चिंगमुन कहता है हाँ, लक्षण काफी हद तक एक जैसे थे इसलिए मैंने उसे पीसी हुई मूली खिलाई और उसके बाद वह जल्दी ही ठीक हो गए, कितनी हैरानी की बात है। तो जो ह्यूंगसांग होता है वो कहता है मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही सुना है, ऐसा लगता है कि भिखारियों का संग वास्तव में जहर के साथ अच्छी खासी तालमेल बना चुका है। तो जो सेक्टर लीडर कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, इसका मतलब ये है कि चिंगमुन जो कह रहा है वो सच है? तो चिंगमुन मनी मन अपनी शैतानी बुद्धि से सोच रहा होता है कि भिखारियों के संघ के किसी भी भिखारी से पूछने की कोशिश करें जो आपको सड़कों पर मिलते हैं, वो आपको ऐसा ही कुछ बोलेगा, आखिरकार मैंने जो कहा है वह किसी कारण सही है, ये मैंने अनुभव किया है और इस जहर का रेड डीमन हैंड से काफी कुछ मेलजोल एक जैसा है इसके लक्षण, और इसका मतलब
रेड डिमन हैंड से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग पूरी तरीके से अब उसके बारे में नहीं सोचेंगे और कोई भी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही अपनी कहानी को वांगसुंग के साथ मिला दिया और अब ये लोग मेरी बात को झुठला नहीं सकते। अब मेरी कहानी पूरी तरीके से बैठ गई, अब मुझे कोई भी डर नहीं है। तो जो उनगम होता है वो कहता है, किसी ने सोचा होगा कि ऐसा होगा, वो भी एल्डर होंग के साथ। वो वास्तव में इस पूरे समय वापस आने में असमर्थ था और कहता है, सेक्टर लीडर, यदि वह जो कह रहा है वह सच है तो मुझे लगता है कि हमें उसे पुरस्कार देना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उनगम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ वास्तव में मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा था। तो जो उनाम होता है वो कहता है, ऐसा मत कीजिए सेक्टर लीडर, इसको इनाम देंगे। तो उनाम कहता है, भले ही उसने नेक इरादे से ऐसा किया है, लेकिन क्या यह अब आपके आदेश की अवहेलना करने और यहाँ वापस नहीं आने के लिए एक गंभीर अपराध है, आपको ऐसा नहीं लगता? और कहता है, कृपया उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करें, आपको बस इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सेक्टर लीडर उनाम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या मेरा आदेश एक व्यक्ति के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी बच्चे को इसलिए वापस बुलाऊंगा ताकि वो यहाँ पे आके अपना जो शिक्षण है वो पूरा करे और वहाँ पे एक व्यक्ति मर जाए जो उसके सहारे जिंदा है, और अगर वो वहाँ से वापस आ जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? तो जो उनाम होता है वो कुछ नहीं कहता है और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं, मांडवा संप्रदाय एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है, दूसरे की मदद करना और उसकी जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? क्या मेरे आदेश किसी की जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जो उनाम होता है वो कुछ कह रहा नहीं होता है, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता मैं क्या जवाब दूं, वो भी थोड़ा खुद को लेके गिल्टी फील कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। अब जब मैंने पहले बात की है और सेक्टर लीडर ने अपना गुस्सा दिखाया है, बाकी एल्डर्स चिंगमुंग के अपराध के बारे में बात नहीं करेंगे और मन ही मन सोचते हैं कि अब सब कुछ जब एक सीध में आ गया है तो सब कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। और सेक्टर लीडर मन ही मन सोचते हैं कि अब ये लोग समझ गए होंगे कि मैं यही चाहता हूँ। और सेक्टर लीडर वहाँ पे उठते हैं और खड़े हो जाते हैं और उसके बाद चिंगमुंग के पास जाते हैं और कहते हैं, चिंगमुंग। और चिंगमुंग कहता है, यस सेक्टर लीडर। और नीचे बैठ के उसके सर पे हाथ देते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो चिंगमुंग काफी खुश हो रहा होता है मन ही मन और सोच रहा होता है कि अब चलो मेरी तो आगे की लाइन साफ हो गई, मेरे को अब कुछ एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। और चिंगमुंग मन ही मन सोचता है कि इस गधे की ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, ये मेरे को बच्चा समझता है। तो इसके बाद एल्डर होंग कहते हैं, उना मर्चेंट गिल्ड मांटुआ सेक्टर का काफी ज्यादा आभार व्यक्त करता है और उनका बहुत ज्यादा आभारी है, और कहते हैं, इन सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस युवा तलवारबाज चिंगमुंग को जाता है, लेकिन इसकी महानता देखिए, इसने सारा का सारा श्रेय मांटुआ संप्रदाय को दे दिया। तो सारे के सारे हैरान होते हैं और कहते हैं, ओ वाओ, चिंगमुंग तो बहुत दयालु है। और एल्डरंग कहते हैं, और इसलिए मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं मांटुआ संप्रदाय में निवेश करना चाहता हूँ। तो जो इकोनॉमी और फाइनेंस का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या क्षमा करें, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो जो एल्डर होंग होते हैं वो कहते हैं, हाँ सही में मैं यहीं पे निवेश करूंगा, आपने सही सुना। और कहते हैं, ये इस बात पर फिट बैठेगा, जब हम यहाँ पर निवेश करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि आप हमको कुछ लौटाएंगे और वो आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, सर एल्डर होंग, आप हमारा समर्थन करेंगे? आपने हमें पहले ही जो कुछ दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो एल्डर होंग कहते हैं, सेक्टर लीडर, अगर मुझे ऐसा करना नहीं होता तो मैं अपने लोगों को यहाँ पर नहीं लेके आता। और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरा है उसे मांटुआ संप्रदाय में मैं निवेश करूँ। और कहते हैं, मैं मर्चेंट गिल्ड के कर्मचारियों के साथ आया हूँ, तो चलिए इस पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मांटुआ संप्रदाय को क्या चाहिए और हम आपके लिए क्या दे सकते हैं। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर होंग, आप न केवल हमारे लिए आशीर्वाद लाए हैं बल्कि अब आप यहाँ के एक सम्मानित अतिथि के रूप में आए हैं जो मांटुआ संप्रदाय का नाम आगे फैलाने में मदद करेंगे। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग की तरफ देखते हैं और चिंगमुंग भी सेक्टर लीडर की तरफ देखता है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और उसकी तरफ इस तरीके से देखते हैं जैसे चिंगमुंग से उसको प्यार हो गया है, और चिंगमुंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।